लो स्टैंडर्ड 10 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल की रिएक्शन की कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वी हैव लर्न्ड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का वो दूसरे एलिमेंट में नहीं चेंज होता। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। ना तो कोई एटम वहाँ से गायब हो जाता है, ना कहीं से आकर के प्रकट हो जाता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन को एक किसी भी जो एटम्स के बीच के जो बॉन्ड है उसको तोड़ती है, दूसरे नए एटम का बॉन्ड बनाती है। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं इसका आप चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्टिविटी 1.4 में देखो क्या किया हुआ है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इलेक्ट्रोलाइट। आप एक थोड़ी सी अमाउंट लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। स्लोली एड वाटर टू दिस और इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालिए। कच का बीकर एस्ट्रोनॉमी में फिगर 1.2 जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। आप बीकर को छू करके देखिए, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज दिखा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इट। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो पानी के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट को डिस्चार्ज करता है या रिलीज करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो दोनों ने मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टर के रिएक्ट करने से, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू नो ए सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग बॉल्स। जो आप सिलेक्ट लाइम का जो वॉल यूज करते हो सॉल्यूशन का, उसका यूज हम वाइट वॉश वॉल में करते हो। यानी कि घर के ऊपर जो हम वाइट वॉश कराते हैं ना, वाइट वॉशिंग कराते हैं, उसमें आप भुजा हुआ चूना लाते हो, उसको ला करके आप उसमें पानी में डाल देते हो चूने को, सूखे चूने को, तो सिलेक्ट लाइम बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब आप उसको दीवार के ऊपर लगाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देती है वॉल्स के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 2 या 3 दिन में वाइट वॉश से गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही 2-3 दिन में हमारी जो वॉल है वो क्या होती है, चमकने लगती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCl3। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने दीवार के ऊपर लगाई है तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी जो होता है वो भाप की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कुछ और रिएक्शन करते हैं कॉम्बिनेशन की। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जब जलता है, जब कोयले को आप जलाते हो तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जब वाटर बनता है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O वाटर बनाते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। और अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो ये कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, वो कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा जैसे ही आपने चूने में पानी डाला तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकल गई। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। दिस इज आपका रिएक्शन का मिक्सचर, वह क्या हो गया, गर्म हो गया।
in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. वो reactions जिसमें product के साथ साथ में heat भी निकलती है, heat जब बाहर निकलती है तो उसको हम exothermic reaction कहते हैं. इसके example हैं burning of natural gas. Natural gas जो होती है methane होती है. Methane जब oxygen के साथ जलती है तो carbon dioxide और पानी बनता है जिसके कारण गर्म होता है. Do you know that respiration is an exothermic process? हम जो सांस ले रहे हैं ये भी क्या एक exothermic reaction है. We all know that we need energy to stay alive. हम सब जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. We get this energy from the food we eat. वो एनर्जी हमें जो खाना खाते हैं उससे मिलती है. During digestion, digestion के समय food is broken down into simpler substance. खाना जो होता है वो सिंपल सब्सटेंस में बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल राइस पटेटो एंड ब्रेड कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट. जैसे कि जो राइस पटेटो ब्रेड होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूट करके ग्लूकोज बनाते हैं. दिस ग्लूकोज कम्बाइंस विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी. ये ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ कम्बाइन होकर के हमारी सेल्स में एनर्जी रिलीज करते हैं. द सिंपल नेम इन दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. और इसी सिंपल ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ विच वी विल स्टडी इन क्लास चैप्टर 6. ये जो प्रोसेस जो आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है और क्या निकलता है एनर्जी. थर्ड है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इन टू कम्पोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब आप जो सड़ी गली सब्जियों के जो छिलके होते हैं ये जब गल करके खाद बनाते हैं तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 व्हेन हीट इज गिवन आउट अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड. अब आप देखिए कि एक्टिविटी 1.1 में जो आपने रिएक्शन की थी वो क्या थी. उसमें हीट निकल रही थी, दैट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन.